सात भारतीय परंपरा का एक और प्रमुख गुण इसकी निरंतरता है। भारतीय परंपरा में विद्यमान निर्वचन एवं तर्क के लिए खुलापन, सहिष्णुता, सामंजस्य एवं सात्मीकरण के लक्षणों ने इसकी निरंतरता को संपोषित किया है और तमाम परिवर्तनों के बाद भी आज भारतीय परंपरा अपनी निरंतरता को बनाए हुए हैं। आधुनिकता एवं आधुनिकीकरण, मॉडर्निटी एंड मॉडर्नाइजेशन। आधुनिक शब्द अंग्रेजी शब्द मॉडर्न का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ है प्रचलन या फैशन, अर्थात जो भी समकालीन है या जिसका वर्तमान समय में प्रचलन है वही आधुनिक है। चाहे वह अच्छा है या बुरा, हम उसे चाहते हैं अथवा नहीं। आधुनिकता का यह अर्थ वृहद संदर्भ को प्रस्तुत करता है, परंतु अपने वर्तमान और विशिष्ट संदर्भ में बुद्धिवाद और उपयोगितावाद के दर्शन पर आधारित सोचने, समझने और व्यवहार करने के ऐसे तौर तरीके को आधुनिकता कहा जाता है, जिसमें प्रगति की आकांक्षा, विकास की आशा और परिवर्तन के अनुकूल अपने आप को ढालने का भाव निहित होता है। यह इस बात पर बल देती है कि बौद्धिक एवं तार्किक विश्व दृष्टि के माध्यम से सामाजिक प्रगति हासिल की जा सकती है। अपने इस विशिष्ट अर्थ में आधुनिकता की शुरुआत यूरोप में प्रबोधन काल से मानी जाती है, किंतु एक ठोस विचारधारा के रूप में इसका विकास 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में ही संभव हुआ है। अपने समकालीन एवं विशिष्ट संदर्भ में आधुनिकता के कई लक्षण बताए गए हैं, जिनमें परानुभूति, वैज्ञानिक विश्व दृष्टि, सार्वभौमिक दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्षता, उन्नत एवं परिष्कृत प्रौद्योगिकी, भविष्योन्मुखता, व्यक्तिवादिता आदि प्रमुख हैं। आधुनिकता के उपरोक्त लक्षणों के अनुरूप सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि पक्षों में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया को आधुनिकीकरण की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परंपरागत या पूर्व औद्योगिक समाज आधुनिक समाज की विशेषताओं को अपनाते हैं। इस तरह आधुनिकीकरण आधुनिकता के उन क्षेत्रों में प्रसार की प्रक्रिया है जो अभी तक परंपरागत हैं या आधुनिक नहीं हैं। इसके द्वारा परंपरागत या पूर्व आधुनिक समाज समूहवाद, भाग्यवाद, रूढ़िवाद व धर्मार्धता से मुक्ति प्राप्त करता है और आधुनिक समाज के रूप में तब्दील हो जाता है। आधुनिकीकरण किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होता है, बल्कि इस प्रक्रिया को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इन क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को निम्न रूपों में देखा जा सकता है। एक, सामाजिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, प्रदत्त परिस्थिति के स्थान पर अर्जित परिस्थिति के महत्व में वृद्धि, पुरानी धारणाओं को त्याग कर नए व्यवहारों को अपनाने की प्रवृत्ति तथा संरचनात्मक विभेदीकरण में वृद्धि के रूप में घटित होती है। राजनीतिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया नागरिकों दो द्वारा सार्वभौमिक सत्ता की वैधता की प्राप्ति, नागरिकों में वयस्क मताधिकार के आधार पर राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण, समाज के केंद्रीय कानून, प्रशासनिक तथा राजनीतिक संस्थाओं का विस्तार एवं प्रसार तथा प्रशासकों द्वारा जनता की भलाई के लिए नीति निर्माण आदि के रूप में दृष्टिगत होता है। आर्थिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया उत्पादन, वितरण, आवागमन तथा संचार हेतु पशु एवं मानवीय शक्ति के स्थान पर अमानवीय अर्थात जड़ शक्ति का प्रयोग, मशीनों, तकनीकी एवं औजारों का अधिकाधिक प्रयोग, उच्च तकनीकी के परिणाम स्वरूप उद्योग, व्यापार, व्यवसाय आदि में वृद्धि, औद्योगिकरण में तीव्र वृद्धि, आर्थिक कार्यों में उत्पादन तथा उपभोग में वृद्धि आदि के रूप में क्रियाशील होती है। भारत में औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान आधुनिकीकरण की शुरुआत। भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 17वीं शताब्दी में हुई और इसके साथ ही भारतीय समाज का संपर्क आधुनिक पश्चिमी सभ्यता के साथ व्यापक रूप से संभव हुआ।
फलतः भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ औपनिवेशिक शासन के प्रमुख प्रभावों में से एक था। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए और फिर उसे बनाए रखने के लिए कुछ नई तकनीक एवं संरचनाओं को भारतीय समाज पर लागू किया गया और इसी के साथ भारत में आधुनिकीकरण का प्रवेश संभव हुआ। अंग्रेजों द्वारा अपने लाभ हेतु उत्पादन में नई मशीनी तकनीक का प्रयोग करके औद्योगीकरण की नींव रखी गई तथा व्यक्ति की योग्यता को महत्व प्रदान किया गया। व्यापार की नई बाजार प्रणाली को लागू किया गया। अपनी व्यापार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु तथा प्रशासन को दुरुस्त करने हेतु यातायात एवं संचार के आधुनिक साधनों का विकास किया गया। नगरीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया गया और इस तरह भारत में आर्थिक क्षेत्र के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। फलतः भारतीय समाज में संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक विभेदीकरण संभव हुआ। वर्ग स्तरीकरण का विकास संभव हुआ। कई नवीन वर्गों तथा संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ। प्रवास के दर में वृद्धि हुई। समाज में अर्जित प्रस्थिति को महत्व प्राप्त हुआ। व्यक्तिवादिता का विकास हुआ, जिसके कारण परंपरागत संरचनाओं में आधुनिकीकरण की दिशा में परिवर्तन प्रारंभ हो गया। आधुनिक पश्चिमी सभ्यता समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, व्यक्तिवादिता, विवेकशीलता, मानववाद के दृष्टिकोण पर आधारित थी। औपनिवेशिक शासनकाल में प्रारंभ की गई औपचारिक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने, जो धर्मनिरपेक्ष, तार्किक एवं वैज्ञानिक थी, न केवल योग्यता एवं प्रदत्त प्रस्थिति को महत्व प्रदान किया, बल्कि स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, वैज्ञानिक विश्व दृष्टि, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को प्रसारित करके हमारे जीवन के सभी पक्षों को इस दिशा में प्रभावित किया और भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को अग्रसारित किया। फलतः भारतीय समाज में धर्म के प्रभाव में कमी आई। सोपानिकता कमजोर हुई। निम्न जातीय समूहों एवं स्त्रियों की प्रस्थिति में सुधार प्रारंभ हुआ तथा सामूहिकता की जगह व्यक्तिवादिता की प्रवृत्ति विकसित होने लगी, जिसने नातेदारी व्यवस्था, परिवार, विवाह आदि में नवीन परिवर्तनों और प्रस्थिति उन्नयन हेतु विभिन्न व्यक्तियों व समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का बीजारोपण किया। औपनिवेशिक शासनकाल में नवीन शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत प्रारंभ में मुंबई, कलकत्ता एवं मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना के रूप में भारत के तीन क्षेत्रों में हुई, जिसने मुख्यतः दो तरह के परिवर्तनों को संभव बनाया। एक, इन शिक्षण संस्थानों में आधुनिक शिक्षा प्राप्त नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जो विवेकशीलता के सिद्धांत पर बल देता था और जिसने भारतीय समाज में आधुनिकीकरण को नेतृत्व प्रदान किया। दो, सांस्कृतिक सुधारवादी आंदोलन जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज आदि का प्रारंभ हुआ। इसने सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में बदलाव एवं समन्वय की प्रक्रिया को क्रियाशील किया। इससे परंपरागत कुरीतियों एवं मान्यताओं के उन्मूलन की दिशा में परिवर्तन संभव हो सका। अंग्रेजों द्वारा वयस्क मताधिकार, संगठित व प्रशिक्षित पृथक न्याय व्यवस्था, औपचारिक एवं लिखित कानून व्यवस्था, आधुनिक सैन्य संगठन, नौकरशाही व्यवस्था पर आधारित सिविल सेवा का अखिल भारतीय स्वरूप आदि की शुरुआत की गई और इस दिशा में बहुत सारे कानूनों का निर्माण किया गया, जिससे राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई। परिणाम स्वरूप शक्ति संरचना में शक्ति की प्राप्ति हेतु प्रतिस्पर्धा तेज हुई। शक्ति संरचना का परंपरागत एवं आनुवांशिक स्वरूप कमजोर हुआ और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा लोकतांत्रिक समाज के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार हुई।
यहाँ ध्यान देने योग्य प्रमुख बात यह है कि औपनिवेशिक काल में निश्चित रूप से भारत में आधुनिक संरचना और संस्कृति की पृष्ठभूमि तैयार हुई जो पूरे भारतवर्ष में प्रभावशाली रही। फिर भी इस दौर में स्थानीय या लघु संरचनाएं, जिनमें परिवार, जाति एवं ग्राम शामिल हैं, विशेष प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि अंग्रेजों की प्रारंभिक नीति इन क्षेत्रों में न्यूनतम हस्तक्षेप की बनी रही। भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया के विकास की पुनर्तः अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संभव हो सकी, जब बृहद संरचनाओं, लघु संरचनाओं एवं लघु तथा बृहद परंपराओं के मध्य आधुनिकीकरण में असंगति को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया, जो अंग्रेजी शासनकाल के दौरान विद्यमान थी। भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के स्वरूप। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के प्रति भारतीय समाज में तीन तरह की प्रतिक्रियाएं दृष्टिगत होती हैं। एक, परंपरा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का विरोध। दो, आधुनिकीकरण द्वारा परंपरा का विस्थापन। तीन, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। परंपरा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का विरोध। प्रथम प्रकार की प्रतिक्रिया घोर परंपरावादी और कट्टरपंथियों की थी, जो भारतीय परंपरा में निहित तत्वों एवं आदर्शों को श्रेष्ठ मानते थे और इससे अलग हर विदेशी तत्व एवं आदर्श को संदेह की दृष्टि से देखते थे और त्याज्य मानते थे। इनके अनुसार आज के युग की सभी उपलब्धियां परंपरागत भारत में वैदिक काल या रामायण व महाभारत काल में घटित हो चुकी थी, इसलिए ये पुनः अपनी परंपरा को स्थापित करना और अपने अतीत के गौरव को वापस लाना चाहते। थे आधुनिकीकरण के प्रति इनकी प्रतिक्रिया विरोध के रूप में प्रकट हुई और इन्होंने हर आधुनिक चीज को विदेशी कहकर उसका विरोध किया और सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में परंपरा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। आधुनिकीकरण द्वारा परंपरा का विस्थापन। आधुनिकीकरण के प्रति दूसरी प्रतिक्रिया उन लोगों की थी जिन्हें तत्कालीन समय में आधुनिकतावादी कहा जाता था। ये परंपरा में निहित सभी तत्वों व आदर्शों को पुरातनपंथी, पोंगापंथी व अंधविश्वास कहकर उनका मजाक उड़ाते थे व अंग्रेजों के साथ आए प्रत्येक विदेशी चीज को श्रेष्ठ मानते थे। इनके अनुसार भारतीय समाज का कल्याण इसी में है कि यह शीघ्रता से पश्चिमी समाज की भांति हो जाए। आधुनिकीकरण के प्रति इनकी प्रतिक्रिया परंपरा के सभी तत्वों का त्याग और आधुनिकता के सभी तत्वों एवं आदर्शों की पूर्ण स्वीकृति के रूप में हुई। इन लोगों ने आधुनिकता के मूल्य, प्रतिमान, जीवन शैली तथा विश्व दृष्टि सभी को पूर्ण रूपेण स्वीकार किया व इसका समर्थन किया। भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण के प्रति तीसरी प्रतिक्रिया समन्वयवादियों की थी, जो परंपरा और आधुनिकता के मध्य समन्वय के पक्षधर थे। इनका मानना था कि आधुनिकता के संदर्भ में परंपरा पर फिर से विचार करना चाहिए। परंपरा में जो तत्व एवं आदर्श रखने योग्य हैं, उसे बनाए रखना चाहिए और जो वर्तमान समय में प्रासंगिक या उपयोगी नहीं है, उनका त्याग करना चाहिए। इसी तरह आधुनिकता के तत्वों एवं आदर्शों में से जो तत्व वर्तमान भारतीय समाज एवं संस्कृति के लिए प्रासंगिक, उपयोगी एवं विवेकपूर्ण है, उसे स्वीकार करना चाहिए और जो नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, परंपरा एवं आधुनिकता के समन्वय से ही भारतीय समाज का कल्याण एवं विकास संभव है, इसलिए इस तीसरी विचारधारा के समर्थकों ने परंपरा के साथ आधुनिकता को संशोधित रूप में स्वीकार किया और भारत में भारतीय समाज व संस्कृति के साथ सामंजस्य बैठाते हुए आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को संशोधित रूप में अग्रसारित किया। उपरोक्त तीनों प्रतिक्रियाओं में से तीसरी प्रतिक्रिया सर्वाधिक तर्कसंगत एवं व्यवहारिक रूप से सफल रही है, अर्थात भारत में परंपरा
का बिना विखंडन किए आधुनिकीकरण संभव है और दोनों में परस्पर विरोध न होकर दोनों का सह अस्तित्व संभव दिखाई पड़ रहा है। संतान के लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति का प्रयोग तथा जन्म के शुभ अवसर पर पारंपरिक कर्मकांड, छठी आदि, आधुनिक तकनीक से कृषि कार्य तथा मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, वैशाखी का त्योहार, परिवार नियोजन की स्वीकृति और संतान को ईश्वरीय इच्छा के रूप में मानना, औद्योगिकरण एवं यंत्रीकरण तथा विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर यंत्रों की पूजा, जीवन के अनेक क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अनेक क्षेत्रों में अंधविश्वास को मान्यता, जैसे बिल्ली द्वारा रास्ता काटना, शुभ अशुभ की मान्यता आदि, ऐसे उदाहरण हैं जो उपरोक्त कथन की पुष्टि करते हैं। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण और भारतीय परंपरा में एक अटूट क्रम विद्यमान रहा और कुछ एक अंतर विरोधों के बावजूद दोनों ने एक दूसरे को संपोषित किया है। इस प्रक्रिया ने निश्चित रूप से भारतीय समाज को आधुनिक समाज की ओर अग्रसारित किया है, परंतु ये परंपरा को पुनर्तः विस्थापित करके नहीं हुआ है, बल्कि परंपरा का आधुनिकीकरण हुआ है और भविष्य में अनुकूलनकारी परिवर्तन की इस प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आधुनिकीकरण एवं परंपरा के मध्य उत्पन्न तनाव का समाधान कैसे किया जाता है, क्योंकि जहां समाधान सही नहीं रहा है वहां आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया ने कई तरह के विखंडन को उत्पन्न दिया है, जैसे इंडोनेशिया, बर्मा आदि देशों में, और जहां ये समाधान सही तरीके से हुआ है वहां आधुनिकीकरण सफल रहा है, जैसे जापान में। भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की समस्याएं। भारतीय समाज परंपरागत व्यवस्था से आधुनिकीकृत व्यवस्था की ओर बढ़ने से परंपरा एवं आधुनिकता की समांतर धाराएं एक साथ दिखाई दे रही हैं, जो एक दूसरे के विपरीत मूल्यों पर आधारित होने के कारण अनुकूलन की समस्या उत्पन्न कर रही हैं। परंपरा और आधुनिकता के इस संक्रमण काल से तमाम विरोधाभास एवं समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, जिन्हें निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की समस्याएं। तनाव एवं असंतोष। सांस्कृतिक एवं प्रौद्योगिकीय विलंबना। आधुनिकता बनाम परंपरा। व्यक्तिगत स्वार्थ एवं मैं की भावना। एक, तनाव एवं असंतोष। परंपरागत भारतीय समाज में शिक्षा की दर अत्यंत कम थी। विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी उपायों के उपरांत यहां साक्षरता में वृद्धि हुई। धीरे धीरे उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में भी भारतीय समाज आगे बढ़ने लगा, किंतु सभी शिक्षित लोगों को उनकी योग्यतानुसार रोजगार नहीं मिला, जिसके कारण उनमें तनाव, कुंठा एवं असंतोष उत्पन्न हुआ। ये बेरोजगार युवक आगे चलकर गैर कानूनी गतिविधियों में भी शामिल होने लगे हैं। दो, सांस्कृतिक एवं प्रौद्योगिकीय विलंबना। भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया सभी क्षेत्रों में समान रूप में आरंभ नहीं हुई, बल्कि समाज के कुछ तत्व इससे अछूते ही रहे। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण तथा अर्थव्यवस्था के विकास के साथ भारतीय समाज में वर्ग व्यवस्था के लक्षण आने लगे, किंतु जाति व्यवस्था फिर भी बनी हुई है। भारत में उत्पादन प्रणाली की उत्पादन शक्तियों का आधुनिकीकरण हुआ, पर उत्पादन संबंध में बदलाव बहुत कम आया। भारत में शिक्षा में वृद्धि के उपरांत राष्ट्रवादी भावना में वृद्धि हुई, किंतु साथ ही क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद अभी तक बना हुआ है। महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई है तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, किंतु पितृसत्तात्मकता आज भी बनी हुई है। तीन,
आधुनिकता बनाम परंपरा। भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ परंपराएं भी अपना स्थान बनाए हुए हैं। शहर और गांव सभी समाजों में ये स्थिति बनी हुई है। लोग जब आधुनिक मूल्यों से खतरा महसूस करते हैं तो वे परंपरागत मूल्यों की ओर वापस लौटने लगते हैं। विभिन्न धर्मों के पुनरुत्थानवादी आंदोलनों में ऐसा स्पष्ट देखा जा सकता है। 4. व्यक्तिगत स्वार्थ एवं मैं की भावना। परंपरागत भारतीय समाज में समूह हित सर्वोपरि था तथा परिवार, समाज या समूह के प्रति हम की भावना होती थी, किंतु आधुनिकता के विकास के साथ व्यक्ति तार्किक होता जा रहा है, उसमें भावनात्मक मूल्यों की कमी आ रही है, जिसके कारण वह केवल व्यक्तिगत स्वार्थ देख रहा है। उसके अंदर मैं की भावना आ रही है और हम की भावना गायब होती जा रही है, जिससे सामाजिक सौहार्द में कमी आ रही है। लोगों में द्वितीयक एवं संविदात्मक संबंध बनते जा रहे हैं और प्राथमिक एवं सहयोगात्मक संबंधों में कमी आ रही है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से समाज में सहयोगात्मक ही नहीं बल्कि असहयोगात्मक तत्वों की वृद्धि हो रही है। लोगों में भौतिकवादी मूल्यों के प्रति रुझान होने से तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। व्यक्ति भौतिक विकास में असफल होने से असंतुष्ट होता जा रहा है और उसमें मानसिक तनाव भी उत्पन्न हो रहे हैं। कभी कभी आपराधिक गतिविधियां भी इसके कारण उत्पन्न हो रही हैं। किंतु ये स्थितियां संक्रमण के दौर के कारण आई हैं और आशा है कि भारतीय समाज संक्रमण की स्थिति से निकलकर आधुनिकीकरण से लाभान्वित हो सकेगा। जनसंचार के साधनों का भारतीय समाज पर प्रभाव। एक विशेष मुद्दे, विचार या सूचना आदि को अन्य लोगों तक संप्रेषित करना संचार कहलाता है। आधुनिक युग सूचना का युग है और इन सूचनाओं को एक साथ जनता के बहुत बड़े भाग तक संप्रेषित करना जनसंचार कहलाता है। जनसंचार के अंतर्गत आधुनिक संचार प्रणाली यथा रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, इंटरनेट के माध्यम से किसी सूचना या विचार को द्रुत गति से जनता के पास तक पहुंचाया जाता है। विकास और परिवर्तन में सूचना एक महत्वपूर्ण कारक है और जनसंचार के साधनों द्वारा इन सूचनाओं का प्रसार सामाजिक परिवर्तन को संभव बनाता है या इसके लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। मनोवृत्तियों व मूल्यों में बदलाव लाने हेतु यह न केवल नवीन अवसर व ज्ञान प्रदान करता है बल्कि लोगों के ज्ञान के सीमा के विस्तार में भी सहायता प्रदान करता है। वर्तमान भारत के जनसंचार माध्यमों की विषय वस्तु पर विचारोपरांत यह स्पष्ट होता है कि आज अधिकांश साधन भूमंडलीकरण तथा आधुनिकीकरण के मूल्यों के प्रसार में लगे हैं, जिसके दो महत्वपूर्ण परिणाम रहे हैं। 1. आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गति मिली है। 2. पाश्चात्य सांस्कृतिक तत्वों का प्रचार हुआ है। आधुनिकीकरण के तत्वों जैसे स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता व लोकतांत्रिक मूल्यों ने जहां भारतीय सामाजिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को सक्रिय बनाया है, वहीं पाश्चात्य संस्कृति के भौतिकवादी उपभोक्तावादी तत्वों ने ऐसी प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी व महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति, धन से धन कमाने की प्रवृत्ति, भोगविलास की प्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धा एवं असहिष्णुता, सांस्कृतिक विविधता का ह्रास आदि को प्रसारित किया है, जो भारतीय संस्कृति के तत्वों सहिष्णुता, सामूहिकता, आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक विविधता आदि को कमजोर किया है। जनसंचार के साधनों का भारतीय समाज पर प्रभावों को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। 1. भारतीय संस्कृति पर प्रभाव एवं 2. भारतीय समाज की संरचना पर प्रभाव। भारतीय संस्कृति पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर। जनसंचार के साधनों ने भारतीय संस्कृति में आधुनिकता व पश्चिमी संस्कृति के तत्वों का तीव्र प्रसार किया है, जिसको
निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। एक, पाश्चात्य परिधान शैली का आगमन, जहां पुरुषों व स्त्रियों के काम व आराम के अनुकूल है, वहीं कम कपड़ों के कारण इसने स्त्रियों के प्रति व्यभिचारों को बढ़ाया है। आज व्यक्ति के लिए फैशन व सौंदर्य प्रसाधनों के प्रयोग को संचार साधनों के प्रभाव ने आवश्यक बना दिया है और सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में स्थापित किया है। दो, आज जनसंचार माध्यमों ने लोक संस्कृति के लिए विशेष प्रश्न खड़े किए हैं। जनसंचार का इनके लिए संदर्भ बन जाने के कारण इनके मूल स्वरूपों का रूपांतरण संभव हुआ है, जिससे स्वयं लोक संस्कृति के रचनाकारों की अपनी मौलिक रचनात्मक क्षमता प्रभावित हुई है। आज लोक रचनाओं के साथ लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी अप्रत्यक्ष भागीदारी में बदल गई है, लेकिन दूसरी ओर इसने लोक संस्कृति को भारतीय स्तर पर प्रसारित करने तथा इसकी विलुप्तता को पुनर्जीवित करने का काम भी किया है। तीन, कला के व्यापारीकरण में जनसंचार के साधन बिचौलियों का काम कर रहे हैं, साथ ही जनसंचार के साधनों व विशेष रूप से जनकलाकारों के बीच भी व्यापारिक मध्यस्थों की भूमिका बढ़ी है। कला के ऊपर कलाकार का हस्तक्षेप कम हुआ है और बाह्य तत्वों, नौकरशाही व व्यापारिक मध्यस्थों का हस्तक्षेप बढ़ा है। पाश्चात्य संगीत की ओर मध्यम वर्ग के झुकाव के कारण भारतीय शास्त्रीय संगीत उपेक्षित हुआ है, परंतु इसकी प्रतिक्रिया में शास्त्रीय संगीत की पुनर्स्थापना भी हो रही है। चार, संचार साधनों के प्रभाव से भारत में एक पॉप संस्कृति का उद्भव हो रहा है, जिसने भारतीय मानसिकता का शोषण किया है, साथ ही भारतीय संस्कृति के मिश्रण ने एक नई विधा को भी उत्पन्न किया है, जिसे जनमानस उपयोगी मानता है। पांच, जनसंचार के साधनों द्वारा प्रदर्शित व प्रसारित सांस्कृतिक भूमंडलीकरण की विशेषताओं ने स्थानीय व लघु सांस्कृतिक पहचानों के लिए संकट खड़ा किया है। बाजार के महत्व में वृद्धि ने सांस्कृतिक प्रतीकों को पदार्थों में रूपांतरित कर दिया है, फलस्वरूप एक तरफ जहां समाज में आर्थिक समृद्धि आ रही है, वहीं दूसरी तरफ सांस्कृतिक वस्तुएं अर्थहीन हो रही हैं। छह, जनसंचार के साधन सजातीयता की अपेक्षा रखते हैं और संस्कृति का मूल तत्व विलक्षणता है। भारत में सांस्कृतिक बहुलवाद को विविधता कायम रखती है, न कि सजातीयता। भूमंडलीकरण ने इस सांस्कृतिक विशिष्टताओं के मिश्रण का प्रयास किया है और बहुलता को नकारा है, फलतः जहां सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा मिला है, वहीं राष्ट्रों की सांस्कृतिक स्वायत्तता सकते में आ गई है। स्पष्ट है कि जनसंचार माध्यमों का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव सकारात्मक कम और नकारात्मक ज्यादा है। सिनेमा और विभिन्न चैनलों ने आधुनिकता के सकारात्मक मूल्यों को कम और पश्चिमी संस्कृति के मूल्यों को अधिक प्रसारित किया है, जिसे आज भारतीय संस्कृति के समक्ष सांस्कृतिक क्षरण की स्पष्ट समस्या के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय समाज की संरचना पर प्रभाव। भारतीय समाज एक परंपरागत समाज रहा है, जहां धर्म की प्रधानता एवं जाति आधारित बंद स्तरीकरण की व्यवस्था रही है। इस समाज में परिवर्तन की गति अत्यंत मंद रही है, परंतु संचार साधनों के विकास ने भारतीय सामाजिक संरचना में अनेक परिवर्तनों को उत्पन्न किया है, जिन्हें निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। एक, जनसंचार माध्यमों से प्रसारित आधुनिकीकरण के मूल्यों ने जाति व्यवस्था पर प्रहार किया है, फलतः जातिगत ऊंच नीच की भावना या अस्पृश्यता जैसे तत्वों का ह्रास हुआ है। इनसे संबंधित सोपान के तत्व कमजोर हुए हैं और जजमानी व्यवस्था का विघटन संभव हुआ है, परंतु दूसरी ओर आरक्षण के क्रियान्वयन व पहचान के संकट ने लोगों में जातीय पहचान की आस्था को पुनर्जीवित किया है। दलितों में चेतना का आविर्भाव हुआ है और वे इस आधार पर संगठित हुए हैं तथा उनकी क्षैतिजीय भागीदारी में वृद्धि हुई है और इसमें संचार की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
आज जनसंचार साधनों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों में प्रेम विवाह को तरजीह दी जा रही है, जो युवाओं में तेजी से प्रचलित हुआ है। हालांकि इससे दहेज जैसी कुरीतियां, विवाह में धार्मिक एवं जातिगत प्रतिबंध ढीले पड़े हैं और स्त्रियों को समानता का दर्जा मिला है, परंतु दूसरी तरफ समाज की पकड़ युवाओं पर ढीली हुई है और अतिस्वच्छतावादी मूल्यों को बढ़ावा मिला है। 3. आज पाश्चात्य संस्कृति के रीति रिवाजों का प्रचलन हमारी विवाह संस्था को चुनौती दे रहे हैं। समलैंगिकता का प्रसार भी विवाह पर कुठाराघात है, जिसने भारतीय युवा मानसिकता को न केवल इस ओर उन्मुख किया है, बल्कि कोलकाता के एक स्वयंसेवी संगठन ने तो इसको मान्यता देने की मांग भी शुरू कर दी है। 4. संपत्ति के लिए संबंधों को हाशिए पर रखना, विवाहेतर प्रेम संबंध, संयुक्त परिवार के समझौता व सहिष्णुता के पक्षों का ह्रास, सास बहु आदि संबंधों में परंपरागत तत्वों का ह्रास आदि वर्तमान जनसंचार साधनों का मुख्य विषय। रहा है इन मुद्दों से संबंधित कार्यक्रम जहां स्त्री पुरुष स्वतंत्रता की प्रवृत्ति तथा सदस्यों के मध्य समानता युक्त संबंधों को प्रचलित कर रहे हैं, वहीं परंपरागत संस्थाओं को कमजोर कर तथा तलाक की प्रवृत्ति को बढ़ाकर सामाजिक अव्यवस्था को भी उत्पन्न कर रहे हैं। 5. जनसंचार ने एक तरफ जहां स्वतंत्रता व समानता के मूल्यों को प्रसारित करके महिलाओं की परिस्थिति को ऊंचा उठाया है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें उपभोग की वस्तु के रूप में प्रस्तुत कर स्त्रियों के प्रति परंपरागत आदर भाव को समाप्त किया है। साथ ही अश्लील कार्यक्रमों को प्रस्तुत करके समाज के युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ा है, जिसकी परिणति बढ़ती यौन विकृति, छेड़छाड़, बलात्कार आदि घटनाओं के रूप में हुई है। इसके द्वारा जहां ग्रामीण समाज में धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को विस्तारित करके ग्रामीण जीवन के सभी पक्षों से धर्म के प्रभावों को कमजोर किया गया है, वहीं आस्था जागरण आदि धार्मिक चैनलों द्वारा धार्मिक तत्वों की व्याख्या कर धर्म के प्रति आस्था को पुनः जागृत किया जा रहा है। धर्म के प्रति उपयोगितावादी दृष्टिकोण, धर्म का बाजारीकरण, धार्मिक रूढ़िवाद भी इसके प्रभावों में प्रमुख हैं। आज जनसंचार के साधन विज्ञान व प्रौद्योगिकीय शिक्षा के प्रसार का एक महत्वपूर्ण साधन है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन के विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता को बढ़ाकर और गांव के लोगों को समकालीन समाज के सभी मुद्दों से परिचित कराकर ग्रामीण विकास में इसने महत्वपूर्ण योगदान किया है। आज रामदेव जी द्वारा धर्म के तत्व योग को फैलाकर मानसिक व शारीरिक क्रांति को उत्पन्न किया जा रहा है, जिसमें जनसंचार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। UGC के सभी शैक्षिकी पाठ्यक्रमों के संदर्भ में तथा दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका महत्व उल्लेखनीय है। निष्कर्ष है कि जनसंचार के साधनों की भूमिका आधुनिकीकरण की दिशा में उन्मुख किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु इसके द्वारा अपेक्षित परिवर्तन के लक्ष्यों की प्राप्ति जनसंचार माध्यमों पर संतुलित नियंत्रण व इसके सकारात्मक प्रयोग द्वारा ही संभव है। जनसंचार साधन जनित परिवर्तन की चुनौतियाँ। भारतीय समाज एवं संस्कृति में परिवर्तन हेतु जनसंचार एक प्रमुख साधन रहा है, जिसके द्वारा हमारे देश में एक पराई संस्कृति का प्रसार हुआ है, जिसे तृतीय विश्व पर सांस्कृतिक हमले की संज्ञा दी जाती है। इन साधनों से संस्कृति का प्रसार इस तरह होता है कि लोग अपने सामुदायिक व सामाजिक हितों को अपनी निगाहों में उचित नहीं समझते और यह बौद्धिक व सांस्कृतिक प्रचार हमारे राष्ट्रीय संस्कृति को कई आधारों पर चुनौती दे रहा है। छद्म आधुनिकीकरण इसकी प्रथम चुनौती है। हमने आधुनिकता के आधार पर तार्किकता, परानुभूति, सामाजिक गतिशीलता और सक्रिय सहभागिता को पूरी तरह नहीं अपनाया है, बल्कि हम उसके उपभोगवादी लक्षणों में ही उलझ कर रह गए हैं। इससे व्यक्ति केंद्रीयता बढ़ी है और सामाजिक सरोकारों का ह्रास हुआ है।
व्यक्तिगत धरातल पर लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया ने सामाजिक परिस्थिति व भूमिकाओं को डगमगा दिया है। दूसरी चुनौती धर्म के उपयोग की है, जहां धर्म को अल्पकालिक राजनीतिक लाभ का साधन बनाकर विवेकहीन धर्मांतरण को प्रश्रय दिया जा रहा है। धर्म पर आधारित सिद्धांत विस्मित हो रहे हैं और तांत्रिक व चमत्कारिक बाबा फल फूल रहे हैं, क्योंकि वे अच्छे दामों पर स्वार्थ सेवा में लगे हैं। हमारी संस्कृति अनुकरणकारी, भोगवादी एवं लिप्सा आदि संस्कृति बन गई है। तीसरी चुनौती अविवेकी और निकट दृष्टि की राजनीति की है, जहां सामूहिकता का क्षय तथा व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता राजनीति को एक साधन या व्यवसाय के रूप में प्रयुक्त करने को उन्मुख करती है। चौथी चुनौती स्थानीय या लघु सांस्कृतिक पहचानों के संकट की है। बाजार के महत्व में वृद्धि ने सांस्कृतिक प्रतीकों को पदार्थों में रूपांतरित किया है। सांस्कृतिक तत्वों के बाजारीकरण से लोगों में जहां आर्थिक समृद्धि आई है, तो वहीं दूसरी तरफ इनकी परंपरागत महत्ता में कमी भी आई है। महत्वाकांक्षा में वृद्धि कर इसने भले ही सामाजिक गतिशीलता को संभव बनाया हो, परंतु साथ ही गैर संस्थागत साधनों द्वारा लोगों को अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने को भी प्रेरित किया है। जनसंचार के साधनों ने नवीन कौशल व तकनीक का प्रयोग कर समाज के आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया है, परंतु इस आर्थिक विकास के व्यू जाल में व्यक्ति धन प्राप्ति की लिप्सा में इतना उलझ गया है कि उसमें सकारात्मक सांस्कृतिक तत्वों के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई है। विज्ञापनों की भरमार ने अति यथार्थता को प्रस्तुत कर वास्तविकता के प्रति समाज में भ्रम उत्पन्न किया है। इसने तुच्छ इच्छाओं की संतुष्टि को सामाजिक जीवन के केंद्रीय मूल्य के रूप में प्रस्तुत कर जनमानस को गंभीर मुद्दों से विमुख किया है। जनसंचार जनित सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के संदर्भ में उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि इसने संप्रति भारतीय समाज के समक्ष कई चुनौतियों को प्रस्तुत किया है। वैसे तो परिवर्तन की प्रक्रिया में परिवर्तन की चुनौती या अंतर्विरोध प्रायः अंतर्निहित होते हैं, परंतु भारतीय संदर्भ में ये चुनौतियां राष्ट्रीयता की भी हैं और वैश्वीकरण की प्रक्रिया का अंग भी। इस रूप में आज संचार साधन आधुनिकीकरण के साथ वैश्वीकरण की प्रक्रिया के रूप में क्रियाशील हैं और इसने जहां कुछ अंतर्विरोधों के बावजूद आधुनिकीकरण के मूल्यों को प्रसारित कर आधुनिक समाज की रचना की ओर हमें अग्रसर किया है, वहीं एक वैश्विक उपसंस्कृति का निर्माण करके प्रतीकात्मक आंतरिकरण से नई आत्मचेतना एवं समानता के आधारों को मजबूत भी किया है। निश्चित ही संचार साधनों के इस प्रभाव ने भारतीय समाज व संस्कृति पर कुछ नकारात्मक प्रभावों को उत्पन्न किया है, पर साथ साथ इसने भारत तथा पाश्चात्य संस्कृति के बीच गहरे संपर्क को स्थापित करके विश्व संस्कृति या विश्व गांव की अवधारणा को साकार बनाने का सार्थक प्रयास भी किया है। हालांकि संभावना है कि आधुनिक समाज की रचना के साथ इससे किसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जन्म होगा, पर संभावना ये भी है कि इससे सांस्कृतिक विनाश का खतरा भी उत्पन्न हो जाएगा। भारतीय समाज की आधारभूत विशेषताएं, संभावित प्रश्न। एक, समकालीन भारतीय समाज के प्रमुख लक्षणों की चर्चा करें। दो, परंपरागत भारतीय समाज की उन विशेषताओं का उल्लेख करें जिसने तमाम बाधाओं के बावजूद भारतीय समाज को निरंतरता प्रदान की है। तीन, परंपरागत भारतीय समाज के आधारभूत लक्षणों की चर्चा करें तथा उनकी समकालीन प्रासंगिकता का विवेचन करें। चार, भारतीय समाज में निरंतरता एवं परिवर्तन के कारकों को स्पष्ट करें। पांच, भारतीय समाज में परंपरा एवं आधुनिकता का सह अस्तित्व है, स्पष्ट करें।
6, 7 भारतीय समाज पर जनसंचार साधनों के परस्पर विरोधी प्रभावों की समीक्षा करें। आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। 8, समकालीन भारतीय समाज की आधुनिकता छद्म आधुनिकता है, स्पष्ट कीजिए। 9, भारतीय समाज में आधुनिकता परंपरा को विस्थापित करके नहीं आया है, बल्कि परंपरा की निरंतरता आज भी बनी हुई है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। 10, भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की समकालीन चुनौतियों को दर्शाए और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिए।